हेलो एवरीवन, अब इस लेक्चर में हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 असाइनमेंट 3 का सॉल्व करेंगे, जो कि भावी कट्टी के बुक से दिया गया है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इस क्वेश्चन नंबर 6 में हम देख सकते हैं कि ये कैंटिलीवर है, कैंटिल ए बी, जिस पे बी पॉइंट पे 10 किलो न्यूटन, डी पॉइंट पे 20 किलो न्यूटन और सी पॉइंट पे भी 20 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, जो कि हरे सी और डी के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर, ए और सी के डिस्टेंस 1 मीटर और डी और बी के बीच का डिस्टेंस 1.5 मीटर है। सो ये हमारा क्वेश्चन है एंड वी हैव टू प्लॉट शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर दिस प्रॉब्लम। ओके, क्या करना है, अब हम लोगों को डिफरेंट पोर्शन कंसिडर कर लेना है। जैसे फर्स्ट हम लोग सबसे पहले डी बी पोर्शन कंसिडर करेंगे, उसके बाद सी डी कंसिडर करेंगे, उसके बाद ए सी कंसिडर करेंगे, जैसा कि दिया गया हुआ। अगर अब हम लोग डी बी पोर्शन की बात करें तो फोर्स इसमें, इस पोर्शन पे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, और जो कि शियर फोर्स का वैल्यू है, और मोमेंट हम लोग निकाल सकते हैं डी एम बाई डी एक्स, दैट इज़ मोमेंट इज फोर्स इंटू डिस्टेंस। अगर एक्स इजगल टू ज़ीरो की बात करें तो मोमेंट का वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा, और यदि एक्स इजगल टू 1.5 डिस्टेंस पे ले रहे हैं तो इसका वैल्यू हो जाएगा -1.5 किलो न्यूटन। इसी तरह से हम लोग बाकी पोर्शन का भी निकाल लेंगे। अब उसके बाद हम लोग क्या बोले थे कि ये एक ग्राफ है बिटवीन द डिस्टेंस एंड द शियर फोर्स डायग्राम। सबसे ऊपर वाला डायग्राम जो है उसको स्पेस डायग्राम करते हैं, जो कि हमारे प्रॉब्लम में दिया हुआ है। सेकेंड वाला जो डायग्राम है दैट इज़ शियर फोर्स डायग्राम, और थर्ड वाला जो डायग्राम है दैट इज़ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे जो वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाले हैं उसको पुट करके और ये ग्राफ हम लोग बनाए हैं, और जो भी एरिया हमारा आया हुआ है उसको हम लोग शेडेड कर दिए हैं। तो देख रहे हैं कि 1 मीटर पे हमारा जो कि मैच कर सकते हैं 50 किलो न्यूटन आया है, फिर 30 और फिर 10। फर्स्ट वन इज़ फॉर द शियर फोर्स डायग्राम एंड द सेकेंड वन फॉर द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सो इसका वैल्यू हमें नेगेटिव में आया है -95, देन 45, देन 15 एंड 0। दिस इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 7। अगर सिचुएशन इस तरह का है, अगर कोई बीम है जो कि ए बी सपोर्ट पे लगा हुआ है और ए सी 2 मीटर पे 30 किलो न्यूटन, सी डी 2 मीटर पे 20 किलो न्यूटन और उसके बाद वाले पोर्शन पे डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो इस केस में शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लोग को प्लॉट करना है। इसमें भी सिमिलरली उसी तरीके से हम लोग तीन पोर्शन इसमें भी दिया हुआ है, ए सी, सी डी और डी बी, ये तीनों पोर्शन कंसिडर कर देंगे। बारी बारी से हर पोर्शन का ये शियर फोर्स जो कि दिया हुआ है, और शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में जो रिलेशन होता है उसको निकाल कर बेंडिंग मोमेंट निकाल लेंगे। उसके बाद एट डिफरेंट डिस्टेंस पे क्या वैल्यू आ रहा है उसको पॉइंट्स को डाल करके बस हम लोग ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। इन केस ऑफ शियर फोर्स डायग्राम, शियर फोर्स जो कि है और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, और बेंडिंग मोमेंट में बेंडिंग मोमेंट और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे। हम लोग हर ग्राफ में देख रहे हैं कि तीनों, मीन्स जो प्रॉब्लम में दिया हुआ है वो डायग्राम, ठीक उसके नीचे शियर फोर्स डायग्राम और ठीक नीचे उसके नीचे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हमारा प्लॉटिंग भी, हमारे कॉपी में भी प्लॉटिंग होना चाहिए, ताकि वो पता चले कि किस पॉइंट पे क्या फोर्स देने से उस पर्टिकुलर केस में क्या शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट आ रहा है। सिमिलरली हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, जिसका ये डायग्राम है कि ए टू डी तक है डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, डी टू बी तक है, डी टू बी 2 मीटर पर है, और सिमिलरली वहाँ से लास्ट पॉइंट 4 मीटर पे है। इसके लिए भी सेम टू सेम हमारा जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को निकालने के लिए, चूँकि यहाँ पर रिएक्शंस आ गया है, सपोर्ट आ गया है, इसलिए हम आर ए और आर बी का वैल्यू जो कि असाइनमेंट 1 में जिस तरह से हम लोग सॉल्व करते थे उस तरीके से सॉल्व करके ये निकालेंगे, और उसके बाद इस केस में हमारा वैल्यू सारा आ जाएगा डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस के लिए, पोर्शन डी बी, पोर्शन बी सी एंड एट डिफरेंट लेंथ, मीन्स एक्स इजगल टू 1, एक्स इजगल टू 3। सो इस तरह के जो जिस तरह के जितने पॉइंट्स है उस पर निकाल करके हम लोग वैल्यू निकालेंगे, और उसके बाद इसको एक जगह लिख करके कि हाँ एट इस डिस्टेंस पे शियर फोर्स इतना आ रहा है, इस डिस्टेंस पे बेंडिंग मोमेंट इतना आ रहा है, और उसके बाद फिर हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे एग्जैक्टली सेम एज वी ऑलरेडी डन इन आवर
क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। तो उसी तरह से ये हमारा ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि हर में स्लाइटली वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है ग्राफ का नेचर कि किस तरीके से आएगा, और ये निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, क्या होगा। अपर पोर्शन है मीन्स हैविंग द पॉजिटिव वैल्यू, लोअर पोर्शन मीन्स हैविंग द निगेटिव वैल्यू। एग्जैक्टली इट इज़ सेम एज द जनरल ग्राफ हम लोग जैसे प्लॉट करते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन का सिचुएशन इस तरीके से दिया हुआ है, ए सी कोई बीम है जहाँ पर डी टू ई डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है 6 किलो न्यूटन मीटर, और डिस्टेंस भी यहाँ पर भी दिया गया है। फिर यहाँ पर भी हम लोग पोर्शन डिवाइड करेंगे, पहले पोर्शन ए डी का निकालें, फिर डी का, फिर ई बी का, और फिर बी सी, ये सारे डिफरेंस के लिए निकालेंगे। जैसे टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, तो एज वी ऑलरेडी सॉल्व इट इन आवर असाइनमेंट 1 और इन मॉड्यूल 1, रिएक्शन फोर्स आर ए निकालेंगे बिकॉज वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ आर ए। तो आर ए और आर बी का वैल्यू निकालेंगे, फिर यहाँ से जो आर ए का वैल्यू हो जाएगा दैट इज़ द शियर फोर्स का वैल्यू, एंड वी नो दैट द मोमेंट इज इक्वल टू वॉट इज द रिएक्शन फोर्स इंटू डिस्टेंस। सो देन फिर उसी तरीके से एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 1 पर निकालेंगे, और यही प्रोसेस हम लोग बाकी डिफरेंट पोर्शंस के लिए करेंगे, जो कि हम लोगों का यहाँ पर 5 पोर्शंस है। और यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक और पॉइंट हम लोग को निकालने दिया गया है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड दैट पॉइंट विच वी हैव टू फाइंड आउट इज कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट विच वी ऑलरेडी डिस्कस इन आवर लास्ट लेक्चर, कि ये है क्या, ये वो पॉइंट है जहाँ पे मोमेंट का वैल्यू 0 होता है। तो हम लोग निकालेंगे कहाँ पर मोमेंट का वैल्यू 0 होता है, और जिस पोर्शन पर मोमेंट का वैल्यू 0 होगा दैट पॉइंट इज कॉल्ड कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट। अगेन बाय सॉल्विंग इन दिस वे वी हैव द वैल्यू कि किस डिस्टेंस पर क्या शियर फोर्स है और किस डिस्टेंस पर क्या मोमेंट फोर्स है, एंड देन ऑफकोर्स वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ, आई मीन वी विल प्लॉट द ग्राफ फॉर द दिस प्रॉब्लम, फिर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, देन वी हैव नेचर ऑफ ग्राफ इज दिस। ओके, थैंक यू सो मच।